नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आदिश्री साहित्यिक मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के ऑडियो व्याख्यान के अंतर्गत एक राजनीतिक एवं वैचारिक विमर्श अयोध्या में राम मंदिर पर चर्चा करूंगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर करोड़ों भारतीयों की आस्था और आकांक्षा के प्रतीक भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ हो चुका है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में यह पर्व स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सन 1952 में सौराष्ट्र गुजरात के बिरावल में सुप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा स्वतंत्र भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के हाथों से हुई थी, वैसा ही यह प्रसंग है। उस समय सरदार पटेल, के मुंशी, महात्मा गांधी, बीपी मेनन, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे मूर्धन्य नेताओं ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण कार्य को भारतीयों की चिर विजयी अस्मिता और गौरव का प्रतीक माना था। राष्ट्र के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब कुछ बुनियादी प्रश्नों पर लंबी बहस चलती है और वही तार्किक रूप से हमें सही स्थिति तक ले जाने का काम करती है। क्या राम भारतीय समाज के एक हिस्से के ही प्रतिनिधि या आदर्श हैं, या वे भारत की लंबी सभ्यता एवं संस्कृति में सर्वस्पर्शी आदर्श या सभ्यताई चरित्र के प्रतीक और प्रेरणा दोनों हैं? सभ्यता व संस्कृति को अवचेतन से चेतन मन में लाने के लिए विमर्श की आवश्यकता होती है। यह विमर्श बौद्धिक शिथिलता को समाप्त करता है और सांस्कृतिक इतिहास को समझने का अवसर देता है। मुगलों व अंग्रेजों ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को मारने का प्रयास किया। अंग्रेजों के कालखंड में जो एक बड़ा कुलीन वर्ग पैदा हुआ और जो राजनीति से लेकर महानगरीय जीवन पर आधिपत्य बनाने में सफल रहा, उसका चिंतन, उसकी बुद्धि, उसकी अभिव्यक्ति यूरोप की राजनीतिक समझ और विचारों से तय होती रही। इसीलिए यह बात सत्य है कि भारत की वैचारिक संप्रभुता यूरोप के विचारकों के अधीन आजादी के बाद भी बनी रही। उनके अनुभवों को हमारे विचारकों ने उधार लेकर भारत की वैचारिक नेतृत्व देना चाहा, पर उनकी कई पीढ़ियां इसमें खप गई। भारत का मूल चरित्र अपरिवर्तित रहा। इस मूल चरित्र का प्रतिनिधित्व करोड़ों लोग करते हैं, जिनका जीवन मूल्य, जीवन दर्शन और जीवन की आकांक्षा अपनी परंपराओं, आदर्शों और नायकों से निर्धारित होता रहा है। तभी तो सेकुलरवाद की रट लगाने वाले विचारक आज खारिज किए गए महसूस कर रहे हैं। जब राज्य की ताकत से छद्म विचारक सामान्य लोगों के विवेक, जीवन आदर्श, प्रगतिशील परंपराओं और नायकों पर सवाल खड़ा करते हैं, तब आम लोग प्रतिउत्तर देने सड़कों पर उतरते हैं। अयोध्या आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह आंदोलन एक मंदिर निर्माण की ही कहानी नहीं है, बल्कि संस्कृति के स्वराज की आधारशिला रखने वाला एक ऐतिहासिक विमर्श है, जो भारत क्या है प्रश्न का समाधान ढूंढता है। भारत का संविधान जिस विविधता, बहुलतावाद, धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, वह भारत की विरासत पर आधारित है। उस सभ्यता या संस्कृति को विरासत से अलग हटकर संविधान के मूल भाव को नहीं समझा जा सकता है। कोई भी समाज अपने आदर्श चरित्र के बिना आगे नहीं बढ़ता है। वह चरित्र जितना ही सार्वभौमिक मूल्यों वाला, उदार और उदात होता है, उसमें उसी अनुपात में प्रभावी क्षमता विद्यमान होता है। राम भारतीय समाज के उसी आदर्श के प्रतीक और प्रेरणा दोनों हैं। उनका चरित्र उन प्रश्नों को संबोधित करता है जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजकाज से जुड़ा है। आज भारत की 138 करोड़ आबादी के साथ आधा दर्जन देशों के लोगों में राम नाम चेतन और चेतन अवस्था में समाया है। ये अर्जावर्त के ज्ञात इतिहास के प्रथम पुरुष हैं, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को सर्वप्रथम उत्तर से दक्षिण तक जोड़ा था, दीन दुखियों, सदाचारियों की रक्षा की, सबल और अन्यायी ताकतों का दमन किया। सच्चे लोकनायक के रूप में प्रभु श्री राम ने जन जन की आवाज सुना और राजतंत्र में भी
जनगण के मन की आवाज को सर्वोच्चता प्रदान की। राजनीति में शत्रु के विनाश के लिए अत्याचारी व अन्यायी शक्तियों का साथ न लिया, बल्कि कमजोर, गरीब और सर्वहारा वर्ग की सोशल इंजीनियरिंग की ताकत पर उस युग की बड़ी से बड़ी ताकत को छिन्न भिन्न कर दिया। मर्यादा के प्रतिमूर्ति रहे, माता पिता, राज वैभव, यहाँ तक कि पत्नी और पुत्र को त्याग दिया, जिससे राजधर्म, समाज धर्म और मानव धर्म में जन समान की आस्था बनी रहे। ज्ञात इतिहास में तमाम पराक्रमी, परम प्रतापी, चतुर्दिक विजयी और न्यायप्रिय राजा हुए, लेकिन सही शासन का पर्यायवाची माना गया तो वह राम राज रहा। ऐसे में देश के राष्ट्र पुरुष का इससे उचित पात्र भला कौन होगा? आज देश के इस राष्ट्र पुरुष की कीर्ति गाथा में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। विदेशी आक्रांताओं ने जिस शाश्वत पुरातन श्री राम जन्मभूमि के पावन स्थल को विखंडित कर दिया था, अब लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद उसे फिर से पुराना वैभव मिलने जा रहा है। 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि का विधिवत भूमि पूजन से इस कार्य को शुरुआत कर दिए हैं। अगले करीब 2 वर्ष में देश की धर्मस्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर स्थापित हो जाएगा। ऐसे में राष्ट्र पुरुष के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुण धर्म आज भी प्रासंगिक है। हम अपने राष्ट्र पुरुष के बताए रास्ते पर चलकर न सिर्फ खुद का जीवन सार्थक कर सकते हैं, बल्कि राष्ट्र की एकता अखंडता को मजबूत करते हुए उसकी विकास की राह को और भी मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।